हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टैक्स एंड फाइनेंस। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITR रिफंड पे। अगर आपने अपना इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 फाइल कर लिया है और उसमें अगर आपका रिफंड बनता है, रिफंड लाइक अगर 20,000 से कम है, लाइक 15,000-10,000, तो उन केसेस में डिपार्टमेंट ने काफ़ी के रिफंड इशू कर दिया है। तो आपको रिफंड कैसे चेक करना है, सबसे पहले तो आपका जो यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टेज है वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे देखिए, रिटर्न फाइल ऑन, वेरीफाइड ऑन, फिर प्रोसेसिंग एंड देन प्रोसेसिंग कम्प्लीशन। जैसे ये पूरा फाइल होगा तो आपके पास एक मेल भी आएगा और एक मैसेज भी आएगा। मेल जो आएगा वो आपके पास 143(1) का इंटीमेशन आएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका रिफंड जितना भी बनता है, इंटरेस्ट वगैरह लगा के सब कुछ, तो वो फाइनल अमाउंट आपको इंटीमेशन लेटर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, जब रिफंड आपका इशू आएगा तो यहाँ पे आपको रिफंड अवेटेड लिखा आएगा, जैसे आप देख सकते हैं 16,158 का रिफंड अवेटेड। मींस एक तरह से कह सकते हैं आपका रिफंड इशू हो गया, ये नहीं कि आपका रिफंड रुका हुआ है, रिफंड आपको मिल चुका है, बट यहाँ पे जो वर्ड लिखा रहेगा वो अवेटेड लिखा रहेगा, ठीक है। अब इसको आप चेक कैसे करेंगे कि किस दिन आपके बैंक अकाउंट में आया है ये सब चीज़, तो इसके लिए आप एक रिफंड स्टेटस का 10NSDL वेबसाइट है, आपको वहाँ पर जाना है। जब भी आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो आपको ये एक इस वेबसाइट पर लेके आएगा, टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, ठीक है। ये भी इनकम टैक्स का ही वेबसाइट है, यहाँ से टैक्स पेमेंट ये सब चीज़ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफंड ट्रैकिंग। अब हमें रिफंड अगर जब चेक करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पैन नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर डालना है। फिर आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर अभी जो हमारा करेंट है वो है 22-23, ठीक है। आप असेसमेंट ईयर डालिए, फिर आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। जैसे आप कैप्चा कोड डालेंगे तो आपके पास स्टेटस का पेज आ जाएगा कि अभी क्या स्टेटस है, प्रोसीड करना है। तो देखिए, यहाँ पे पैन नंबर, असेसमेंट, ये सब चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए, आपका 27 जून को रिफंड जो है उन्होंने इशू कर दिया है। मींस 27 या फिर 28 के अराउंड अगर आप बैंक स्टेटमेंट में अपने चेक करेंगे तो आपको रिफंड मिल चुका होगा। तो इस तरीके से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स रिफंड का। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपके लिए मैं ऐसे ही इनकम टैक्स और GST से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू।